आज हम बीएमसी का टॉपिक V3 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट के विषय में बात करेंगे। कोऑर्डिनेट कितने तरह का होता है, तो देखो कोऑर्डिनेट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल। एब्सोल्यूट मींस विद रिस्पेक्ट टू वर्जिन, इंक्रीमेंट मींस होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पिछले पॉइंट से। तो कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंट। एब्सोल्यूट मींस होता है सारे पॉइंट हम ओरिजिन से निकालते हैं, और इंक्रीमेंट मींस होता है सारे पॉइंट हम पिछले पॉइंट से निकालते हैं। जैसे बी का निकालना है तो ए से, सी का निकालना है तो बी से, डी का निकालना है तो सी से। इंक्रीमेंट का मीन समझिए, अगर किसी की सैलरी 30,000 है और उसकी सैलरी 35,000 हो गई, तो उसकी एब्सोल्यूट सैलरी कितनी है, 35,000। लेकिन अगर कोई पूछता है इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो पिछले पॉइंट से कितना बढ़ गया, 5,000। तो इसी तरह कोऑर्डिनेट भी होते हैं, एब्सोल्यूट मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सारे पॉइंट ओरिजिन से निकाले जाएंगे, और इंक्रीमेंट मींस होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट, पिछले पॉइंट से। अब देखो ये एक जॉब है हमारा, इसकी लंबाई है 100 और इसकी चौड़ाई है 100 और 10 है इसकी थिकनेस। अब हम इसमें चार होल करना है, ए बी सी डी, इनकी पोजीशन दी है। देखो यहां वर्जिन से एक्स में 25 mm दूर पे ए है और वाई में 20 mm दूर पे है, और बी पॉइंट एक्स में कितना है, 75। यहां से इसके बीच की दूरी हो गई 50 और इनके बीच की दूरी हो गई बी से सी के बीच 60। तो हम इनका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये तो देखो हमारी ड्राइंग आइसोमेट्रिक में है, इसको हम 2D में देखते हैं। तो ये जॉब है, यहाँ पे डिटेल दिया 100 × 100 × 10 और इनके बीच की दूरी दी है, डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हम इनका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। तो देखिए ए पॉइंट पे एक्स कितना होगा, देखो यहाँ पे कितना गया है ओरिजिन से एक्स में, 25 और वाई में 20। बी पॉइंट एक्स में कितना गया, देखो 25, ओरिजिन से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। अभी हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। और वाई में देखो, वाई में बी पॉइंट कितना गया, यहां भी 20 है और यहां भी, तो 20। अब देखो सी पॉइंट एक्स में कितना गया, सी पॉइंट जितना बी गया उतना सी, तो 75। और वाई में कितना गया है, 80। देखो सी पॉइंट जितना डी गया उतना सी भी गया है, यहां से ये हो गया 20 और ये हो गया 60, टोटल 80। अब डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखते हैं, एक्स में कितना गया है, देखो ये डी पॉइंट एक्स में यहां से कितना गया, 25। और वाई में कितना गया है, जितना हमारा यहां से सी पॉइंट गया है उतना ही हमारा डी पॉइंट गया है, तो डी भी कितना हो गया, 80। अब ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट और डी पॉइंट, सारे पॉइंट हमने कहां से कैलकुलेट किया, वर्जिन से। ए में एक्स कितना है, 25 और वाई कितना है, 20 वर्जिन से। बी पॉइंट देखो वर्जिन से एक्स में कितना है, 75 और वाई में कितना है, जितना ए पॉइंट है उतना बी है, तो 20। सी पॉइंट एक्स में 75 और वाई में 80। डी पॉइंट
एक्स में 25 और वाई में 80। तो सारे पॉइंट हमने ओरिजिन से निकाले, तो ये हो गया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। अब इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट के लिए G91 यूज करते हैं, और सीएनसी में यहां पे यू और डब्ल्यू यूज किया जाता है, इसलिए 91 लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन यहां पे मैंडेटरी होता है। अब देखो ए पॉइंट का प्रीवियस पॉइंट कौन सा है, 00, तो यहां से एक्स में कितना गया 25 और वाई में 20। अब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ए पॉइंट प्रीवियस पॉइंट हो जाएगा। अब यहां से हमें देखेंगे एक्स में कितना गया, देखो 50 और पहले वाई में 20 था, अब भी 20 है, तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो बी से देखेंगे, बी पे हमारा एक्स जितना था उतना सी पे है, तो इंक्रीमेंट हमारा कितना हो रहा है एक्स में 00, लेकिन वाई में देखो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यहां देखो वाई में कितना बढ़ रहा है 60। इसके बाद डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जितना हमारा एक्स सी में था उतना हमारा, अब देखो डी पॉइंट का एक्स कितना होगा, तो पिछले पॉइंट सी से देखोगे तो ये इधर आ रहा है माइनस की तरफ, देखो अब हमें डी का निकालना है तो इधर जा रहा है सी की तरफ, तो सी से देखो कितना इधर आ रहा है माइनस, इनके बीच की दूरी कितनी है 50, तो ये हो जाएगा माइनस 50 और जितने इस डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसका प्रीवियस पॉइंट क्या होगा, सी होगा, सी में हमारा एक्स जितना था, अब डी में निकालेंगे तो यहां से देखो एक्स में कितना जा रहा है माइनस, ये देखो इधर की तरफ आ रहा है इसलिए माइनस 50, और जितना सी में हमारा वाई था उतना हमारा डी में भी वाई है, इसलिए हमारा वाई 00, इंक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट G90 में एब्सोल्यूट में शो करते हैं, उसको G90 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इंक्रीमेंटल में शो करते हैं वो G91 से। ये हमारा जॉब है 100x100 और 10 की थिकनेस है, इसमें 4 होल करने हैं, और अब हम बात करेंगे आगे कितने 4 होल हैं और उनका डीप कितना है 5 mm डेप्थ तक करने हैं, और डाया उनका 10 का है। क्या होते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट, और इन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ही प्रोग्रामिंग भी हमारी 2 तरह से हो सकती है, एब्सोल्यूट में और इंक्रीमेंटल में। ये था हमारा जॉब, तो ये हमारा जॉब एक्स में चलते हैं और वाई में चलता है, और ये टूल हमारा जेड एक्सिस में चलता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे प्रोग्राम बनाते हैं।